शहीद दीपक जी का परिवार हमारे साथ रीवा से जुड़ा हुआ, उनके साथ कनेक्शन पहले कट गया था। एक बात मैं जो आपसे समझना चाह रहा था कि आपकी तरफ समाज का रवैया और बर्ताव, सरकार ने जो कहा था वो मदद मिलने के सिलसिले में, आपका तजुर्बा क्या रहा है एक साल में? आवाज आ रही है आपको? दीपक जी के परिवार से आप, उनके जो भाई जुड़े हुए हैं, आपसे मुखातिब हूं मैं। नहीं जी सर, आवाज आ रही है आपको? रीवा में आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सरकार जो आपको मदद मिलनी चाहिए वो मदद मिली है क्या, समय से मिली है क्या, और दूसरे समाज का रवैया और बर्ताव आपके परिवार की तरफ सहयोगात्मक, सकारात्मक, कृतज्ञता वाला रहा है क्या? जी सर, जो अपने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हुई थी वो तकरीबन जनवरी तक पूरी हो गई। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने बोला था कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी और पक्का मकान और एक करोड़ रुपए की सांत्वना राशि की घोषणा हुई थी, जिसमें से जो नौकरी थी तो दीपक सिंह की पत्नी वीरांगना रेखा सिंह को नौकरी भी मिल चुकी है, उसके अलावा रीवा में एक घर भी मिल चुका है, और जो 1 करोड़ की सांत्वना राशि थी वो भी मिल गई। यानी जो सरकार की तरफ से घोषणाएं हुई थी वो पूरी हो गई हैं, और उसके अलावा जो उनका स्मारक बनाना था उसका भी काम चालू है, वो भी पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा जब, क्योंकि मेरे भाई पूरे परिवार के चहेते थे, और दूसरी बात क्या है कि वो आर्मी मेडिकल कोर से जुड़े हुए थे, तो कोई भी चीज़ें होती थी, लोगों की मदद करना और लोगों के साथ कैसे रहना, शुरू से वो उनका लगाव ही अलग तरह से था। तो उनके जाने के बाद मेरे भाई थे, तो मेरे घर के अलावा जो पूरा परिवार है उन सबको बहुत दुख है इस चीज़ का, और वो लोग हमेशा हमारे से जुड़े रहते हैं, घर परिवार वाले आते रहते हैं। ये देखकर, ये सुनकर बहुत बड़ी तसल्ली मिल रही है कि आपने कहा कि न सिर्फ सरकारों ने मदद की है बल्कि लोगों का रुख भी आपकी तरफ वैसा है जैसा होना चाहिए शहीद के परिवार की तरफ। ये सुनकर, ये जानकर बहुत बड़ी तसल्ली मिल रही है, और ये कहा जा सकता है कि जिस देश में शहीदों को, शहीद के परिवार वालों को इस तरीके से इज्जत देने का सिलसिला बरकरार हो, वहाँ फिर आँच आ नहीं सकती। चीन जैसे न जाने कितने मुल्क लग जाएं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।